राव फुलझड़ी और मैं श्रुति। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ मैदान में कूद पड़ी हैं। इसी कड़ी में आगरा के भद्दावर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली रानी पच्छालिका उत्तर प्रदेश की सबसे अमीर महिला विधायक भी है और वह इस बार आगरा की बाह विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ रही है। पच्छालिका आगरा के भद्दावर राजघराने की रानी है। जी हाँ, 61 साल की रानी पच्छालिका सिंह मौजूदा समय में बाह क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। इस बार भी उन्हें बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आइए जानते हैं इनके राजनीतिक सफर के बारे में। आपको बता दें कि भद्दावर राजघराने के राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह ने 1952 में पहली बार चुनाव लड़ा था और विधायक चुने गए थे। उस वक्त वह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीते, बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने 1980 तक जनता पार्टी के टिकट पर बाह विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और तब बाह सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की। आपको बताते चले कि सन 1989 में राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह के बेटे राजा अरिदमन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में ताल ठोकी और जीत हासिल की। सन 1991 का चुनाव उन्होंने जनता दल के टिकट पर लड़ा। सन 1996 और 2002 में वह भाजपा के टिकट पर जीत कर विधानसभा पहुंचे। सन 2007 में राजा अरिदमन सिंह को बसपा प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और 2012 का चुनाव सपा के टिकट पर जीता। आगरा की 9 सीटों में सिर्फ बाह विधानसभा सीट ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। यही कारण है कि अखिलेश यादव की सरकार में राजा अरिदमन सिंह को मंत्री भी बनाया गया। 3 साल तक मंत्री रहने के बाद उनसे परिवहन विभाग छीन लिया गया और स्टाम्प व पंजीयन विभाग दिया गया। बाद में उन्हें मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त कर दिया गया। सन 2017 में राजा अरिदमन सिंह अपनी पत्नी रानी पच्छालिका सिंह के साथ भाजपा में चले गए। भाजपा से पच्छालिका को टिकट मिला और वह जीत गई। और आइए अब जानते हैं राजघराने के नाम कुल कितने बैंक खाते हैं। आपको बताते चले कि रानी पच्छालिका ने अपने हलफनामे में बताया है कि पति और उनके पास कुल 50,000 रुपए कैश है। रानी पच्छालिका उनके पति और परिवार के नाम पर कुल 21 बैंक खाते हैं, जिनमें अकेले 9 खाते रानी पच्छालिका के हैं, जबकि 8 उनके पति राजा अरिदमन और 4 पारिवारिक बैंक खाते हैं। रानी पच्छालिका के 9 बैंक खातों में 1,39,00,000 रुपए जमा है तो राजा अरिदमन के 8 खातों में 68,51,000 रुपए है। पारिवारिक खातों में करीब 30,00,000 रुपए है। और आइए अब जानते हैं रानी की संपत्ति के बारे में। आपको बताते चले कि 61 साल की रानी पच्छालिका ने कारोबार, कृषि और निवेश से होने वाले मुनाफे को आय का जरिया बताया है। पच्छालिका ने सन 2021 में 4,71,000 रुपए आयकर जमा किया, जबकि उनके पति ने 26,30,000 रुपए का आयकर भरा। राजा और रानी के पास करीब 90,00,000 रुपए के गहने हैं। रानी पच्छालिका की कुल चल संपत्ति 2,23,00,000 रुपए है, जबकि पति के पास 1,30,00,000 की चल संपत्ति है। रानी पच्छालिका के पास 5,00,00,000 की अचल और उनके पति के पास 31,17,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। 18,27,00,000 रुपए की अचल संपत्ति पारिवारिक है। राजा और रानी के पास कुल 54,44,00,000 रुपए की जमीन है। आपको यह भी बताते चलें कि 2017 चुनाव के दौरान दिए हलफनामे में रानी पच्छालिका ने 58,29,00,000 रुपए की चल और अचल संपत्ति बताई थी। इस बार यह 58,44,00,000 की है। सन 2017 में पच्छालिका और उनके पति के पास कुल 1,30,000 रुपए कैश थे, जबकि दोनों के बैंक खातों में 1,81,00,000 रुपए जमा थे। 5 साल पहले रानी की चल संपत्ति 3,16,00,000 रुपए थी और 55,13,00,000 रुपए अचल संपत्ति थी। तो आपको रानी पच्छालिका की इस पूरी भरी पूरी संपत्ति को जान करके क्या कहना है? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुल छड़ी के साथ। धन्यवाद।